बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 4 का धमाकेदार कॉमेडी ट्रेलर आउट हो चुका है कल। जी हाँ दोस्तों, सभी ने इंडिया में इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और सभी देशों में अक्षय कुमार के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं जिन्होंने भी ये ट्रेलर देखा है, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी नज़र आ रही हैं हाउसफुल 4 से, जो कि दिवाली के मौके पर रिलीज़ होने वाली है। अब बात करें दोस्तों कनाडा की, जी हाँ दोस्तों, अब बात करने वाले हैं आज कनाडा के अंदर जो मीडिया है, जो फैंस हैं, उनका क्या रिएक्शन रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रोलर्स हमेशा ही कनाडा कनाडा करते रहते हैं जब भी अक्षय कुमार की कोई फिल्म आती है। कैनेडियन उन्हें बोलते रहते हैं और ट्रोल करते रहते हैं, लेकिन आज जानने वाले हम कि आखिरकार वहाँ का माहौल क्या है हाउसफुल 4 के ट्रेलर के बाद में। तो बात करें अगर पहले फैंस की, तो दोस्तों अक्षय कुमार के फैंस वर्ल्ड वाइड हैं और सभी को ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया, लेकिन कनाडा में ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगा। अब वहीं पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि कनाडा में काफ़ी ज़्यादा इंडियंस भी मौजूद हैं और पंजाबी खासकर काफ़ी ज़्यादा हैं, जहाँ पर अक्षय कुमार भी पंजाबी हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया हाउसफुल 4 का ये ट्रेलर और मीडिया ने भी इसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इस फिल्म के अंदर आप लोगों को अक्षय कुमार के साथ में नज़र आने वाले हैं बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति खरबंदा, कृति सनन और पूजा हेगड़े, और भी कई बड़े कलाकार इसके अंदर हैं जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राणा डग्गुबती। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म है हाउसफुल 4, जो कि 25 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है दिवाली के मौके पर, और इंडिया में तो इसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और वर्ल्ड वाइड भी इसका बज़ काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। तो दोस्तों अब आप लोगों को, अगर आपने हाउसफुल 4 का ट्रेलर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को ताकि आपको मिले ऐसी ही और अपडेट्स सबसे पहले। Press the subscribe button and hit the bell icon for more news and updates.